दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय डीडीएम मेडिकोज दौलतपुर चौक ऊना। कोविड 19 की तीसरी लहर का आगाज हो चुका है, इसके बावजूद अभी भी अधिकांश लोग बिना फेस मास्क भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर खुलेआम घूमते देखे जा सकते हैं। ऐसे में लोगों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने भी अभियान तेज कर दिया है। ऊना पुलिस ने जिला के विभिन्न स्थानों पर बिना फेस मास्क घूमने वाले 70 लोगों के चालान किए, जिनसे 35,000 रुपए जुर्माना भी वसूल किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने फेस मास्क न पहनने वालों के खिलाफ अगले दिनों में भी कड़ी कार्रवाई करने के फरमान जारी कर दिए हैं। जो कोरोना के जो जैसे कि फैल रहा है, तो उसमें जो है पुलिस ने लोगों को जो नियमों का पालन कराने के लिए एक तो उनको अवेयर कर रहे हैं, और इसी के तहत हमने कल जो है जो सार्वजनिक स्थानों पर जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उसमें हमने 70 चालान किए हैं और लोगों ने 35,000 रुपये इसमें जुर्माना हुआ है। और काफ़ी हमने जो इसमें है अवेयर भी किया है कि लोग मास्क डाल के रखे ताकि वो कोरोना से बच सके। ऊना से दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। अब डीडीएम मेडिकोज से सस्ते दामों पर खरीदें दवाइयां। नगर पंचायत दौलतपुर चौक के बस स्टैंड पर खोला मेडिकल स्टोर। नगर पंचायत दौलतपुर चौक के बस स्टैंड में डीडीएम मेडिकोज के नाम से नया मेडिकल स्टोर खुल गया है, जिससे अब मरीजों को अपनी ब्रांडेड दवाइयां लेने हेतु दूर दराज के क्षेत्र में नहीं जाना पड़ेगा। बी फार्मेसी के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे डीडीएम संस्थान ने अब दवाइयों के रिटेल व्यवसाय में उतरकर जनता को बेहतर तोहफा दिया है। डीडीएम मेडिकोज के संचालक आशीष शर्मा ने बताया कि उनके मेडिकल स्टोर में ब्रांडेड दवाइयां उपलब्ध हैं और ग्राहक बाजार से सस्ते दाम पर दवाइयां खरीद सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनके स्टोर में अंग्रेजी एवं देसी दवाइयों के अलावा पशुओं की दवाइयां भी उपलब्ध हैं, जिसके लिए ग्राहक नगर पंचायत दौलतपुर चौक के बस स्टैंड में पहुंचकर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए डायल करें 8219396612।